Okay, student, read this. A rocket is fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket zero? Mass of sun is equal to 2 × 10⁻³⁰ kg. Good. 50. नहीं नहीं 30 30 हाँ जल्दी करो इट्स ओके मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मैं लिखता हूँ है ना साथ साथ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ तो इसको अपन एक ड्रॉ सी कर ले पिक्चर इश्मा ठीक है इश्मा पिक्चर yes, हमेशा ड्रॉ करो ये है हमारी डायग्राम हाँ डायग्राम हमेशा ड्रॉ करो इससे एक रॉकेट फायर हुआ ठीक है वो कहाँ गया वो गया सन की तरफ ठीक है सन की तरफ गया ना सन पर पहुंचा तो नहीं है ना What's the sun? At what distance from the earth center? What a great question, यार. ये center of earth है, ये center of sun है. फिर वो क्या कह रहे हैं? At what distance from earth center is the gravitational force on the rocket zero? Wow! वो कह रहे हैं एक ऐसा point आएगा इस distance में, जब उसकी force zero हो जाएगी gravitational force. ये क्या बढ़िया concept है यार. मजा आ गया. वो distance क्या होगा, जहाँ पर आपकी gravitational force zero हो जाएगी. तो क्या बात है तो देखो पिक्चर ड्रॉ करने से कितनी चीजें क्लियर हो गई कह रहे मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ कितना है बार बार बोलेगी तो तेरे को याद हो जाएगा बोलो मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ kg ठीक है शाबाश शाबाश 24 kg फटाफट से बोलना यू शुड नो ये क्या पूछने वाला है आगे टीचर क्या पूछने वाला है पहले से रेडी रहो अपना म्यूट अनम्यूट उसमें परफेक्ट हो जाओ अगर कुछ पाना है तो नहीं तो बैठे रहो यहाँ पर सो मास ऑफ सन बोल मास ऑफ सन 2 × 10⁻³⁰ kg ये लिख रही है ना तो साथ साथ मैं तो लिख रहा है कि मैं ही लिख रहा हूँ आप भी करी जाओ लिख रहे हैं दिल पे नहीं लिखना बुक पे लिखो कहते दिल ना लगाओ पेड़ लगाओ छाया मिलेगी मास ऑफ अर्थ ये आ गया नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स अच्छा ये क्यों लिखा इसने कोई बच्चा इसका कंसेप्ट बताए ये बंदे ने क्यों लिखा क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो पता है मैं पूछ रहा हूँ ये लिखा क्यों है नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ओनादी भी ग्रेविटेशन उनको छोड़ दो इमेजिन के भी अगर 10 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर भी है उनका नेट इफेक्ट क्या है जीरो बस अर्थ और सन की बात करो मजेदार क्वेश्चन है आई लव इट अब मुझे आप में से बताओ इसको कैसे निकालें मैं तभी कह रहा था एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी ओए होए होए इफ यू अलाउ मी अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें सारे क्वेश्चन करते हैं इसके सारे क्वेश्चन करो क्या यू विल गेट रियल गुड आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं फिर हाँ बोलो फिर ये कैसे आएगा ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप अमितोज इश्मा यू हैव एनी आइडिया जी बोलो सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है तो हम मे बी वो डेप्थ वाला कांसेप्ट भी लेंगे वो तो इश्मा डेप्थ वाला कांसेप्ट अर्थ के अंदर जा रहा है ना अर्थ के अंदर पॉइंट जा रहा है तो नहीं ये बाहर जा रहा है अर्थ के डेप्थ वाला कांसेप्ट नहीं है अच्छा मैं आपको हिंट दूं आर प्लस एच वाला आना आर प्लस एच वाला क्या आएगा क्या है आर प्लस एच वाला आर को तो ये कहना चाहता है कि ये आ रही है ये आ रही है और ये कहना चाहता है कि तू मान लो ये डिस्टेंस ये h है मान लो ये डिस्टेंस है ये h है तो फिर हाँ जी फिर re plus h से क्या करेगा तू re plus h के फॉर्मूले से क्या कांसेप्ट क्या है दोनों मासेस गिवन है कौन सी मासेस सन का मास मास ऑफ सन गिवन है मास ऑफ अर्थ गिवन है ठीक है अब आर ई प्लस एच के कंसेप्ट से जी हमें पता है जी भी पता है एंड उन्होंने बोला है कि फोर्स मतलब जीरो हो जाएगी फोर्स जीरो हो जाएगी एलएचएस जीरो बोलो कैसे एलएचएस किसका एलएचएस जीरो डालेंगे किसका एलएचएस जीरो ग्रेविटेशन जीरो अच्छा क्या बात है यार क्या दिमाग है एनीवे डोंट गेट डिस्करेज अदरवाइज यू वोंट स्पीक सो आप कह रही हो कि 4-0 हो जाएगी
अच्छा अब याद रखो, आपने दो तीन दिन पहले हमारे लेक्चर में पढ़ा है, हमने भी डिस्कस किया है कि कोई भी दो अगर ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है तो केवल इन्फिनिटी पर जाकर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो होती है। यू रिमेम्बर योर वंदना मैम्स लेक्चर यस्टरडे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये एक बॉडी के रेफरेंस में एग्जिस्ट नहीं करती, इट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज। It's very very important. If the presence of second body is not there, there is no gravitational potential energy definition only with respect to one body. So imagine if there is only one body in this universe, nothing else. There is no concept of gravitational potential energy. Why? Because you cannot define h. Iska distance kiske respect se loge? Ishma, you are understanding? Iska jo height hai kiske respect se loge? अगर मुझे कोई हाइट लेनी है, मैं कहता हूँ कि शिमला की हाइट इतनी है भाई, कश्मीर की हाइट इतनी है, कंचनजंगा की हाइट इतनी है, तो मैं सारा वो जो मेरा ओशन है, जो मेरा सी क्या बोलते हैं सी सरफेस है, उसके मतलब उसको डेटम मानकर ले रहा हूँ ना, सी लेवल हाँ सी लेवल को ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर अब तू कह रही है कि फोर्स, अब तेरे दिमाग में आया कि सर फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो मेरा सब कुछ जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो फाइंड आउट कैसे आया? ये तो कॉन्सेप्ट उड़ गया ना मेरे ख्याल से, am I right? कुछ क्वेश्चंस भी तो ही कह रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो, वो तो फिर इंफिनिटी आंसर ही होगा इसका। कमाल है यार, ये तो बात कर रहा है अर्थ और सन के बीच के, आपको आप वो पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको हिंट देता हूं, देखते हैं किसकी बत्ती जगती है, ठीक है। ये हमारे बीच में है मान लो इश्मा, ठीक है, सो आई एम सेइंग इश्मा कम टुवर्ड्स मी, आई एम पुलिंग हर टुवर्ड्स मी, सो देयर इज द लेट्स से द फादर ऑफ इश्मा, शी सेज नो नो इश्मा I am also pulling you towards me. Under what conditions Ishma will not go left or right? Under what condition? Do one force equal. Yes. Now apply the concept. Apply this concept. Interesting question. Very interesting question. दिमाग में कि नहीं इश्मा? सो दोबारा बताना, तेरी तो बात कर रहा हूँ यार, सो यार दोबारा मतलब यू वांट टू लिसन अबाउट यू, ओके फॉरगेट इट, सो सपोज यू आर हियर इश्मा, सो अर्थ इज आल्सो पुलिंग यू, अर्थ इज आल्सो पुलिंग यू टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यू आर हियर, sun is also pulling you towards its center, under what conditions you will not be pulled anywhere? When both the forces are equal. Beautiful. So with this concept, can you solve this question? Why we study physics na, it's basically slowly. So the force gravitational pull of earth is equal to gravitational pull of sun. Yes, very good. Then, अभी formulation चल रही है, अभी answer तक पहुंचे नहीं हो, फिर इसको numerically कैसे solve करूंगा? Good, good, good. उस चीज के ऊपर gravitational pull earth का sun के gravitational pull के बराबर हो जाए, am I right? अब वो distance क्या center होगा? Center कब होगा? अच्छा चलो और बात करें, वो distance center कब होगा? Center तब होगा जब earth का gravitational pull इश्मा और सन का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो, मगर ऐसा तो है नहीं, मे बी सन का मास बहुत ज्यादा है तो सन का ग्रेविटेशनल पुल सन और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है आई थिंक वो ज्यादा होगा, सो मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा, बट क्वेश्चन ये है ना, इसको मैं इस कंसेप्ट को कैसे लगाऊं सो दैट मुझे वो डिस्टेंस आ जाए मेरे पास। You are very close to the answer. Come on. So two equations लेंगे और उनको equal करेंगे. Beautiful, very right. वो equation क्या होंगी?
एक बार अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पुल। और एक बार सन का। बिल्कुल सही कैसे करे, बिल्कुल ठीक। तो इसको अगर अपन क्या बोलते, डिस्टेंस को एक्स मान लें कि एक्स डिस्टेंस पर बॉडी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है अर्थ और सन के बीच का दिया हुआ है। देखो आई थिंक इफ आई एम नॉट राइट, या सी दिस ऑर्बिटल रेडियस, जानबूझकर उसने सो इसको आई ब्रैकेट डिडंट में दिया है। अंडरस्टैंड ये हाँ किसका ऑर्बिटल रेडियस है, अरे यही यही सन यही तो क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग चीज है। वो बंदा इसको, इसने जानबूझ के लास्ट में दे दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको सॉल्व करने की, जानबूझ के। इस प्लेइंग विद द साइकोलॉजी, ये दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ बेटा, अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ओके सर। अर्थ इज है ना। तो व्हाट इज दिस, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज, दैट मींस टोटल डिस्टेंस इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ, सन देन इफ दिस डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज एक्स बच्चे, देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। टोटल माइनस एक्स तो कैन आई से इट विल बी, वेरी गुड, अब कैच हो गया, 1.5 × 10⁻¹⁰, बोलो दिस वन 11 माइनस, माइनस सिक्स बिंदास। एक्स। इश्मा डिड यू एंजॉय दिस, यस एवरी क्वेश्चन, इश्मा फिजिक्स इज ए नशा, बट यू नो दिस 190 स्टूडेंट्स क्लासेस एंड 200 स्टूडेंट क्लासेस इन रानी का बाग, आई एम सॉरी टू से दे आर स्पॉइलिंग दैट नशा, सच ए ग्रेट थिंग। ओके सो प्लीज डू इट, आई विल बी सो हैप्पी। See, you have developed this concept one by step by step. Now you said sir, दो equations नहीं बनेगी, दो expressions बनेंगे, उन expressions को मैं equate कर दूंगी। तो बताओ बच्चे क्या expression बनेंगे, ये body x distance पर है और ये body r minus x distance पर है, मान लो ये r है ना, orbital radius earth का। बताओ यार, तो simple है, come on, दोनों में से कोई बोले। हाँ सर जी, मतलब जी इंटू एम ई इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम ऑफ सन इंटू एम बाय 1.5 टेन इज पर 11 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्यूटिफुल, ऑल राइट द मिथोज, ब्यूटिफुल। सो दिस इज एम इज द मास ऑफ और रॉकेट यस, मास ऑफ रॉकेट, ब्यूटिफुल, डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, दैट इज एक्स स्क्वायर। इश्मा इज इट करेक्ट, यस सर। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू, बट नाउ इज इट कमिंग इन यू इनटू योर ब्रेन दैट मास ऑफ रॉकेट इज नॉट गिवन, बट सर वो कट हो जाएगा। दैट इज गेटिंग कैंसल्ड, ब्यूटीफुल, कम ऑन नाउ, आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड, आई डोंट नो आप किस मिट्टी के बच्चे बने हो, यू आप में एक्साइटमेंट ही नहीं आती, बोलो। मास ऑफ सन आएगा नहीं नहीं लेट लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक, बोल क्या जी लिखूं यहाँ पर। इनटू मास ऑफ सन इनटू एम अपॉन आर ब्यूटीफुल, माइनस इनटू, एक्स होल स्क्वायर। अरे बाप रे, बिंदास बोलने का, दिल के पर्दे खोलने का, वेरी गुड, आगे चल। जी भी अब कैंसिल हो गया जी मेरे ख्याल, एंड एम कट क्या जाएगा। बात है, कितना इजी हो गया। ओके तो हमने यार फाइंड फाइंड का करना था ना, एक्स फाइंड आउट करना था। ओके तो आर एक्स को इधर ले आओ, क्या आ गया, आर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सही है, सही है, अभी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, मास ऑफ सन, व्हाट इज मास ऑफ सन, टू, टू इंटू टेन रेस टू पावर हाँ थर्टी सारा बोला कर, सारा बोला कर, साथ में बोल, यूनिट बोल, केजी, देन यू सी यू विल स्टार्ट मिस, यू विल मिस अदर क्लासेस एंड नॉट मिस दिस क्लास। यस इश्मा, ओके बोलो, सारा बोलना शुरू करो, जो भी है सब बोलो। अपॉन सिक्स इनटू टेन रेस टू पावर 24 केजी। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, मास ऑफ, मास ऑफ अर्थ। क्या बात है, लड़की बिंदास हो गई है अब। ओके आगे, अब बेटर है कि मैं इसका अंडर रूट ले लूं सारे का, क्योंकि ये इसको सॉल्व यस करना थोड़ा सर। डिफिकल्ट है, इज इट राइट। तो ये क्या आ गया, आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इज इट राइट, इज इट ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, बोलो यस भाई, सर।
ये आ गया 1/3 आई थिंक, है ना, 2 × 3 = 6, 1/3 इनटू, जल्दी बोलो, 10^5. अरे मैं तो कर सकता हूँ, आई कैन डू वेरी फास्ट, बट यू डू इट. सिक्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, बोलो. अरे हमने कोई गलती तो नहीं की? हाँ हमने गलती की है, इसका अंडर रूट करना था सर. अंडर रूट. अब आपको क्या फायदा बोलने का? हाँ आप पहले तो ये बोलो फटाफट कि 1/3 का ये कर दीप, 1/3 कर, फिर उसका अंडर रूट ले, जल्दी कर. और इसका अंडर रूट क्या आएगा इश्मा? 10^6 का अंडर रूट इनटू 10^6 का अंडर रूट, ये कितना होगा बोलो? व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 10^6? दैट इज 10^6 इनटू 1/2, दिस इज 10^3. जल्दी करो भाई, 1/3 करो, फिर उसका अंडर रूट लो.